कि हम कहीं रास्ता भूल चुके हैं, रात में पूरा सब जंगल एक जैसा लग रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कल हम जा रहे हैं राइड पे, मेरे एक और राइड पे, मतलब मेरा फर्स्ट राइड बोल सकते हैं, जिसको मेरे ब्लॉग का ट्रायल बहुत आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, कसे आहेत, बरे आहेत ना? माझं नाव सुधीर नायक, तुम्ही बघत आहात माझा नवीन चॅनल ब्लॉगर लाईफ। 7 बजे का हम लोग ने निकलने का प्लान बनाया है, तो जो भी होगा अपडेट, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ आ रहा है, वो सब आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। और ये सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपने राइड के लिए। और ये राइड हम जा रहे हैं, अभी भी सस्पेंस है। पहले तो फिलहाल हम कलवा जाएंगे, कलवा में हमारे शुभम जी का कुछ काम है, उस काम को निपटा कर हम फिर वहाँ से निकलेंगे। काम निपटाने के बाद से हम निकलेंगे आज हम। और ये देखिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि पहली बार लकड़ी पुल मिला है मुझे खाली, तो ऐसे मिलता नहीं कभी जल्दी। जो भी पहली बार आया हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो मेरे पहले वीडियो में जो मैंने मिस्टेक की थी, उसको मैं पूरी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से। स्टार्ट किया है मैंने, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होंगी, पर उस गलतियों को अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे, तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब इंसान तभी सुधरता है जब उसकी कोई गलतियाँ बताए। अगर आप गलतियाँ नहीं बताओगे तो मैं सुधरूंगा कहाँ से। और ये हमारा लॉकडाउन के बाद का पहला ट्रिप है, और विद कैमरा विद ब्लॉग बोल सकते हैं, पहला ट्रिप है मेरा। इसीलिए शुरुआत, हम जब भी ट्रिप करते हैं तो फिक्स करते हैं कि 6:30 बजे निकले या 7 बजे निकले, पर क्या होता है कि हर बार कोई ना कोई गलतियां हो जाती है और कोई ना कोई लेट लतीफ बंदा हमें लेट कर देता है। गाड़ियाँ कौन कौन सी थी आपको क्लियर कर देता हूँ। NS 200, 125 डुक 250 एंड अपनी। ये आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मुमरा शिलफाटा रोड। आखिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और प्लस एक राइड, और राइड तो मुझे मजा, मुझे कोई नींद में उठा के बोले ना चलो राइड पे, मतलब कहीं जाते हैं उनमें। और सभी लाइकर और सभी सब्सक्राइबर को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अगर कहीं भी राइड पे जाते हैं या कहीं भी बाइक चला के जाते हैं, तो प्लीज हेलमेट पहने। अगर राइड पे जाते हैं, अगर आपके पास सेफ्टी गियर हैं तो सेफ्टी गियर्स पहने, जैसे मेरे पास था मैंने पहना। ज़रा सा नाश्ता वाश्ता करने के लिए रुके हैं और अभी हम फिलहाल होंगे कल्याण, और जो नाश्ता कर रहे हैं हमारी पब्लिक, ये हम लोग रुक चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे भाई साहब हमें नाश्ता खिलाएंगे, इनके साथ हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। नाश्ता हो चुका है, इसके बाद आप देखिए कि हमारे साथ राइड पे कौन कौन है। ये हमारे शुभम साटम रियो फैमिली के, ये प्रतीक कदम, और ये हमारे एडवाइज़र ब्लॉग एडवाइज़र गिरीश। ये हमें सिखाते हैं कैसा, बताते हैं कि कैसा करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्लॉग देखते थे मेरे पहले, मैं से पहले ब्लॉग को फॉलो करते हैं, मैं से ज़्यादा मुंबई कर निखिल को फॉलो करते हैं, मुझे एडवाइस देते हैं। और हमारे बोलते हैं जो इस ट्रिप को मुझे इनक्रेज कर रहे थे कि चलो चलो, हमारे नैन खाड़े हमारे भाई, उन्होंने मुझे बोला कि चलो
ब्लॉग बनाएंगे, आप इंजॉय करना। भाई माथेरान में दाला कुटा रस है। काय स्टे करायचं? हां पाच जण आहेत आपले, लिफ्ट दिले म्हणजे आपण पंचर आहे गाडी त्यांना जर समजा। हां और यहाँ हम पहुँच गए हैं, पार्किंग का हमने कर लिया है। पार्किंग यहाँ लिखे हैं 15 रुपये, फॉरेस्ट चार्जेस 30 रुपये म्यूनसिपल का, और ऐसे करते हुए हमने कर दिया। हम यहाँ आप जा रहे हैं अपने होटल में, चलते होटल में। और यहाँ मास्क, अगर आप कोरोना में आते हैं तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि यहाँ फाइन है 500। ओके, और देखिए यहाँ आने के बाद आप जब अंदर आते हैं तो आपको आने के बाद यहाँ एक पास है जो ट्रैवल पास है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो आपको पास लेना पड़ता है एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 45 रुपीज़। पास लें और उसके बाद जाएँ, प्लीज़ नियम ना तोड़े। लाइन लगा कर ये पूरा पास लिया हुआ है, तो इनके लिए पहले तो अप्रिशिएट। और ये देखिए हम अब आलम लॉन्च की इधर आ गए हैं। तो ये प्रतीक जी कैसा लग रहा है, आप यहाँ आके फील कैसा हो रहा है? ये है जिनके हम साथ जा रहे हैं, इनका गेस्ट हाउस है, इनके पास रूम्स है। तो सर दादा ये यहाँ के लोकल हैं, तो इनको मैं मराठी लैंग्वेज से बात करूँगा। म्हणजे मी माझं म्हणणं असं आहे, तिथे आलं कोण नवीन आलं समजा कोला कधी मग कधी आलंच नाही तो त्याला यायचं असेल, तर तुम्ही कुठं भेटता तिकडे? माझ्या नावे तुम्ही आले, एंट्री दिली तर फक्त एलडी नावाचं मुलगा कोणी तरी बोलले होते, माझा कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊ माझं नाव लक्ष्मीमध्ये, पण मला एल डी मध्ये वाटते हॉर्स राईडचं मागचं चॅम्पियन, तर तुम्ही नुसतं एल डी बोललं तर तुम्हाला इंटरेस्ट होती, तुम्हाला कोणी दाखवणार कोणी दाखवणार? तर ती ओळख आहे आपली, आम्ही 30 वर्ष एक्सपिरियन्स जन्मत मात्रांचं आहे। आणि ये जो एल डी है इनका मैं आपको मोबाईल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, आप मेरा नाम लोगे तो ये जरूर थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, बहुत डिस्काउंट देंगे। गणेश
हुआ है और यहाँ हम एक रूम में चार जन हैं, मैं, शुभम और प्रतीक, गिरीश, नयन, सब हम लोग एक रूम में हैं। और ये हमारा ये रूम है, हम और थोड़ी देर में हम फ्रेश होकर आपको पूरे रूम के बारे में करना है क्या है। हो गए हम फ्रेश हो गए हैं, उसके बाद से थोड़ी देर हम आराम करेंगे, उसके बाद हमारा प्लान क्या है आगे का। खाना इतना पेट भर खा चुका और इतना स्वादिष्ट खाना कि पावर पावर है। देखो हमारे जो सर है अभी तक खाए अभी भी खा रहे हैं और इतना अच्छा खाना। गिरीश हमारा तो छूट ही नहीं जाता, जबरदस्ती उसको उठाया गया है। देखते रहो आगे हम क्या मजा करना है, जरा आराम करते हैं, थोड़ी देर बाद हम वापस मिलते हैं। का है थोड़ा आराम हो गया, अभी शाम के बजे हैं 4:30 बज रहे हैं, मैंने खाना खा के हम जरा सो गए, उसके बाद हम अब निकलेंगे। और यहाँ 6 बजे के बाद घूमना अलाउड नहीं है, यहाँ 6 बजे के बाद घूमना अलाउड नहीं, मतलब जंगल में रात हो जाती है और सब घूमना बंद कर दिया जाता है। तो ये देखिए हमारे गिरीश दादा मोबाइल में मग्न, क्योंकि उनके मोबाइल को वाईफाई अटैच हो गया है होटल का, इसीलिए। ये अपनी महबूबा के साथ साथ बैठे हैं, इनकी महबूबा 11 आईफोन 11 इनकी महबूबा है बस। और ये देखो फैशन ट्रिक, ये ठीक है घूमने के लिए, यहाँ वो सीढ़ियाँ हैं और ऊपर बंदर हैं। और आपको और इंटरेस्टिंग फोटोज़ वगैरह अगर देखने हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी जा सकते हैं, सुधीर ब्लॉगर करके मेरा एक इंस्टा आईडी है, आप उसका लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अरे पीछे